अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। 13 अक्टूबर में आप सबका स्वागत। आज डिजिटल इंडिया ने कमाल कर दिया। तीसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। ये वाईफाई कभी उड़ जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है। सो डिजिटल इंडिया, एयरटेल एक्सट्रीम, प्लीज अपना ध्यान करें। सो कल का सवाल था सर, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? सो इसराइल ने लॉन्च किया है, ये हमास के अटैक के खिलाफ गाजा स्ट्रिप में ये लॉन्च हुआ है जी। सो हमास ने जब अटैक किया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? हमास ने जब इसराइल पे 5,000 रॉकेट्स गाड़े ना अभी, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है आप बताना कमेंट सेक्शन में। आज का सवाल टोकनाइजेशन, बार बार टोकनाइजेशन न्यूज में आ रहा है। सो टोकनाइजेशन किससे रिलेटेड है भाई? क्रिप्टो करेंसी से, पेमेंट सिक्योरिटी से, बायोटेक्नोलॉजी से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? सो किस चीज से रिलेटेड है टोकनाइजेशन? टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट सेशन। राइट, देन फैक्ट्स रेलेवेंट फॉर द एग्जाम। एक कॉन्ट्रोवर्सी हो गया भाई साहब, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया को 2022 में रैंक मिला था 107, 2023 में 111। अब मोदी साहब ने मानना तो है नहीं, और ऑब्वियसली इंडिया प्रोग्रेस भी कर रहा है भाई, झूठ की बात भी नहीं है। सो क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं इंडिया वाले कि हमारा पोषण ट्रैकर कहता है हमारे 7.2% लोग स्टंटेड है, आप कह रहे हो 18% है। झूठ बोल रहे हो आप। आपका सैंपल सर्वे का साइज ही बहुत छोटा है, आपका सर्वे ठीक नहीं है, ये आपकी जो रैंकिंग है ये सरासर गलत है। बट आपने क्या ध्यान रखना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में कितना रैंक है? 111। राइट, देन मेरा युवा भारत, युवा के लिए कल भी हम कुछ बात कर रहे थे। राइट, वो प्रोग्राम लॉन्च किया था। आज ऑटोनॉमस बॉडी बनाने की बात हुई है, जहां पे यूथ डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड बॉडी होगी, मेरा युवा भारत। देन जी, आज इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है। 13 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। आप क्या कर सकते हैं इसमें? लेट्स से आप अर्थक्वेक प्रोन जोन में रहते हैं, जहां पे वनरेबिलिटी है, तो अर्थक्वेक अगर आ जाए तो उस टाइम क्या करना है? ट्रायंगल थ्योरी, टेबल के नीचे छुपना है, फर्स्ट फ्लोर पे रहना है कि नीचे भाग के नीचे आना है, पिलर के नीचे खड़ सकते हैं। एक चीज सीखे और कमेंट्स में लिख देना, हाँ हमने कुछ सीखा आज। तो इसी से आप अपनी और परिवारजनों की जिंदगी बचा सकते हैं। देन जिंदगी की बात आई तो विश्वास स्वरूपम, विश्वास स्वरूपम दैट इज स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, ये कहाँ पे है जी? ये नाथवाड़ा राजस्थान में है, ध्यान रखना, खासकर आरएएस वाले। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ इज इन राजस्थान एंड इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, प्लीज ध्यान रखना। देन ये बहुत बार अब्राहम अकॉर्ड तो बार बार न्यूज में आ रहा है, हो सकता है कि हमास ने एक कारण अटैक का ये भी बनाया हो, अब्राहम अकॉर्ड। तो ये इसराइल प्लस अलग अलग अरब कंट्रीज, काफी सारी अरब कंट्रीज इसराइल के साथ पीस डील्स साइन कर रही हैं, पीस डील्स की नेगोशिएशन कर लेते हैं, अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। क्यों इसराइल के साथ पंगा लिया, इतनी अच्छी पावर है। राइट, और इनका मीडिएटर जो सवाल आता है बार बार, मीडिएटर यूएसए है। राइट, सवाल आया था आई थिंक आरएस में था कि मीडिएटर रशिया है, नहीं जी, मीडिएटर अब्राहम अकॉर्ड्स का वाज यूएसए। सो हो सकता है कि हमास ने सोचा हो कि ये जो इसराइल और अरब कंट्रीज का कंफ्लिक्ट है, ये कहीं सिर्फ इसराइल और पैलेस्टीन का ना रह जाए, सारी अरब कंट्रीज नॉर्मलाइज ना हो जाए इसराइल के साथ, इसलिए अभी मौका देख के अटैक कर देते हैं। तो हो सकता है कारण, बट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको जरूर ध्यान रखना, अब्राहम अकॉर्ड्स। देन डिप्लोमेटिक टाइटरोप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी आईआर पार्ट दिस टाइम, इंडियन डिप्लोमेसी दिस टाइम, आईआर आंसर्स दिस टाइम। क्यों? क्योंकि डिप्लोमेटिक टाइटरोप का मतलब होता है कि आप बोल रहे हैं किसी बात पे, पर आप दोनों अपोजिंग पार्टीज को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, किसी को भी डिससेटिस्फाई करना ही नहीं चाहते। सो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया क्या चाहता है? कि इसराइल से उसके टेक्नोलॉजी और डिफेंस के अग्रीमेंट्स है वो खराब ना हो, पैलेस्टीन का हमेशा से वो इंडिपेंडेंस का सपोर्टर है और वायलेंस के खिलाफ रहा है पैलेस्टीन के खिलाफ, तो पैलेस्टीन के खिलाफ भी ना जाए। सो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहता है इंडिया। राइट, वैसे ही यूक्रेन रशिया में भी, यूक्रेन में वायलेंस हो रही है, इंडिया वायलेंस के खिलाफ है, रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, इंडिया इसके साथ है। सो दोनों तरफ को सेटिस्फाई करने के चक्कर में इंडिया डिप्लोमेटिक टाइटरोप पे चल रहा है। राइट, सो ये डिप्लोमेटिक टाइटरोप आपके आंसर राइटिंग में बहुत काम आने वाला है। ऑल दो मोदी जी ने साफ साफ स्पेसिफाई कर दिया कि इसराइल, हम टेररिज्म के खिलाफ है और हम इसराइल के साथ हैं,
राइट, बट स्टिल इंडिया इज स्टिल वॉकिंग अ टाइट रोप, एंड इवन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज कह रही है पैलेस्टीन का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे आप लोग, राइट? सो इंडिया इज सेइंग, ऑफिशियली गवर्नमेंट इज सेइंग टेररिज्म के खिलाफ इसराइल के साथ, एंड डिप्लोमेटिक टाइट रोप अपोजिंग पार्टीज को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, बट हम मिडल पावर डिप्लोमेसी की तरह काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज इट फॉर द डे. अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार.